हेलो फ्रेंड्स, एसएससी यूट्यूब वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे की आंसर शीट आ चुकी है टेक्निकल की, और फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है दोस्तों। जिनका भी मार्क्स 33 के ऊपर है ये मान के चलिए कि वो क्वालिफाइड है। और रिजल्ट आने के बाद और सेकंड जो मेंस का पेपर होने वाला है उसके बीच ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी हमें अभी से ही शुरू करनी होगी दोस्तों। ट्रेड टेस्ट जिनका जिनका भी है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिकल है, और आपको पता है कि मेंस में पार्ट ए और पार्ट बी दो पेपर होने वाले हैं, तो पार्ट ए में ऐसे भी बेसिक इंजीनियरिंग से सवाल आ ही रहे हैं, तो इसलिए मैं उन हर कॉमन चैप्टर को लेके चल रहा हूँ, जिससे आप कितना भी कम पढ़ें तो क्वालिफाइंग तो आप उसमें कर ही जाइएगा। तो हम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक के हर चैप्टर को डील करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हर एक वीडियो आपको एक एक करके मिलती रहेगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो सही समय पर मिलती जाए और आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए आज फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसके बाद का चैप्टर इलेक्ट्रिकल ये सब होने वाला है जो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका नाम है व्यवसाय परिचय, दस्ती औजार और वैधोदिक सुरक्षा। ऐसे इसमें हैं तो कई सारे पॉइंट्स, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 पॉइंट को स्टार मार्क कर रखा है। आप देख सकते हैं ये 3, मैं आपको डॉट के जरिए दिखाता हूँ। ये रहा कृत्रिम श्वास क्रिया, अग्निश्वास है ना, सुरक्षा संकेत। तो ये तीनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन में इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए, पहला है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया दोस्तों, ये 3 प्रकार की विधियां हैं जो विधियां डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। या तो ऑप्शन में इन तीनों को दे दिया जाएगा, और चौथा ऑप्शन ये रहेगा कि ये सभी, या फिर इन दोनों में से किसी एक को हटाकर एक ऑप्शन ये भी बना दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हमको ये तीनों विधियाँ याद रखनी है। याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ऊपर में दे रखा है ना, ये है SMS, यहाँ पर दोस्तों SMS है ना, SMS आपको याद रखना है, SMS से आपको याद रहेगा। तो इन तीनों का चर्चा करते हैं। पहला है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा है सेफर विधि, और तीसरा है मुंह से मुंह हवा भरना। तो हम देख सकते हैं कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को जो है पीठ के बल लिटाया गया है, और सेफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लिटाया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी सिल्वेस्टर विधि को हमको याद रखना है तो बस इतना याद रखना है कि उसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटा हुआ रहेगा और उसकी छाती पे दबाव बनाएंगे, और सेफर विधि में भी वो पेट के बल लेटा हुआ रहेगा और दबाव उसके पीठ पर बनाएंगे, है ना। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है मुंह से मुंह में हवा भरना। तो मुंह से मुंह में हवा भरने का जो विधि है ये इजी है, बस इसमें ये करना ये रहता है कि मुंह में हवा भरने से पहले नाक को बंद कर दिया जाता है। चलते हैं अगले तरफ। अगला पॉइंट है मेरा अग्निशमन। अग्निशमन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ये काफ़ी कॉमन चैप्टर है जो किसी भी एग्जामिनेशन में कभी ना कभी आ ही जाता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीनों ही यंत्र जो हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देते हैं, जिससे कि आग बुझ जाती है, लेकिन तीनों का उपयोग जो है वो हम अलग अलग जगह पे करते हैं, एक ही जगह पे हम तीनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र या सोडा एसिड यंत्र, इसका उपयोग हम तभी करेंगे जब लकड़ी, कपड़े, रुई किसी में आग को बुझाना हो तब। झाग वाला यंत्र तब यूज़ करेंगे जब आग जो है वो तेल या पेट्रोल से लगी हुई हो, ठीक है।
और तीसरा जो है सीटीसी यंत्र। सीटीसी यंत्र को मुख्यतः तभी यूज़ किया जाता है जब आग जो है बिजली के तारों में लगी हुई हो, या बिजली के तारों में लगी यंत्र आग को बुझाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसे अवरोधन या स्मॉथरिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका एक और नाम है जिसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना ये है कि इन तीनों का यंत्र, ऐसा नहीं है कि सीटीसी का उपयोग हम लकड़ी में बुझाने में करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। झाग वाला यंत्र को हम तार में भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मात्रा में, दोनों में ही रिएक्शन जो होता है उसके बाद पानी निकलता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीटीसी यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सुरक्षा संकेत की तरफ। सुरक्षा संकेत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे तो तीन चार प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि वृत्त के अंदर जो भी चिन्ह दर्शाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या शो करते हैं। तो आपको निषेधात्मक टिक करना है। त्रिभुज के अंदर जो भी रहेगा वो चेतावनी चिन्ह रहेगा। ये दो तरह की संकेत इस आकार में दिए जाते हैं, और बाकी आप सारे संकेत आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो संकेत है वो मैंने टिक कर दी है, जैसे कि यहाँ पर है रिस्क ऑफ फायर, है ना, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉक, यहाँ पर जनरल वार्निंग ऑफ रिस्क डेंजर, और ऊपर में है एग्जिट, यहाँ पर तीसरा नंबर में एग्जिट के लिए आयताकार। तो ये सेफ्टी सीन है जिन, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अंतिम की ओर। अंतिम है अर्थिंग। अर्थिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, और वो ये है कि चारकोल, नमक और पानी का उपयोग नीचे में अर्थ प्लेट को भरने में किया जाता है। जो अर्थ प्लेट ज़मीन के नीचे जाता है, जिसमें ऊपर के सॉकेट से तार जुड़ा हुआ होता है जो नीचे तक जाता है, उसमें ये चारकोल आपको याद रखनी है। चारकोल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए सब चारकोल भरा हुआ है, और नमक और पानी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगर कुछ कमी है लगी होगी आपको दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आगे की वीडियो में सुधार किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिलते रहेगी, और वीडियो में भी सुधार आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।